रूपा जी, हमने देखा है कि जब से सेबी का फैसला आया है कि सेबी ने जो 7 कम्युनिटीज़ एनसीडीएक्स पर बैन की हैं अगले 1 साल के लिए, कि उन पर कोई भी किसी भी प्रकार का ट्रेड नहीं किया जाएगा, सिर्फ जो मौजूदा पोजीशन है उनको पूरा करने की अनुमति है, उनको पूरा करने की अनुमति दी गई है। ऐसे में उसके बाद से हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी जो एग्री कम्युनिटी बाजार है वो कहीं ना कहीं नरमी के साथ ट्रेड करती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में जो एनसीडीएक्स की जो वायदा बाजार है उन कम्युनिटीज में अब कुछ तेजी बनती नजर आएगी? क्या बाजार उठता नजर आ सकता है आगे? देखिए अखिलेश, जो अगर हम एग्री कमोडिटीज की बात करें तो एग्री कमोडिटीज में जिस तरीके की अब अप एंड डाउन देखने को मिल रहे हैं और जिस तरीके से सरकार ने महंगाई पर रोक लगाने के लिए ये स्टेप्स उठाए हैं, इसके चलते देखिए बाजारों में काफी ज्यादा उठा पटक देखने को मिली है। काफी कमोडिटीज ऐसी हैं जो लाल रंग के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रही है, और आज भी आप देखिए पूरा एग्री कमोडिटीज लाल रंग के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। सब में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी देखिए ट्रेडर्स जो है वो घबराए हुए हैं कि सरकार कभी भी किसी भी कॉमोडिटीज पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा देती है, तो इसमें पोजीशनें जो है मतलब वो अपनी पोजीशनों को ना तो स्केयर ऑफ कर सकते हैं, सिर्फ उनको मतलब रोल ओवर नहीं कर सकते, स्केयर ऑफ ही कर पाएंगे, और ना कोई उनके लिए कोई फॉर्मूला बचता है कि वो कोई नीचे से अपनी एवरेज करें या ऊपर से बिकवाली करें। तो अभी जो फिलहाल जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है इसमें काफी ज्यादा अभी वॉल्यूम्स भी गिरते नजर आएंगे और प्राइजेस के ऊपर दबाव जो है वो गहराता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इस खबर के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि सभी कॉमोडिटीज लाल निशान के साथ कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है, जिनके फंडामेंटल भी पॉजिटिव थे अभी फिलहाल वो भी गिरती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए इलेक्शंस हैं आगे, और अगर अब कॉमोडिटीज के प्राइसेस ऊपर होते हैं तो सरकार किसी भी कॉमोडिटी को लेकर कोई भी अपडेट निकालती हुई नजर आ सकती है, जिस तरीके से हमने एडिबल ऑयल में देखा, दालों में देखा, और कल भी जिस तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी को घटाया गया, तो इस तरीके के फैसले जो है सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं जिसका सीधा असर हम देख रहे हैं एग्री कमोडिटीज के ऊपर नेगेटिव आता हुआ दिखाई दे रहा है और कीमतें नीचे आती नजर आ रही हैं। तो अभी फिलहाल सभी एग्री कमोडिटीज दबाव में, और अभी मुझे लगता है कि ये वाला पूरा वीक ही बाजारों के ऊपर दबाव बना रह सकता है। जी रूपा जी, अगर सरकार ने इन पर फैसला लिया है तो सरकार का ये भी कहना था कि सरकार ने सेबी ने ये जो कम्युनिटीज़ बैन करी हैं वो इसलिए करी हैं कि महंगाई दर को काबू में पाया जा सके, महंगाई दर पर काबू में किया जा सके, क्योंकि हमने हाल ही में महंगाई को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखा है। कम्युनिटीज़ हो चाहे उपभोक्ताओं को, एंड यूज़र को कोई भी सामान खरीदना हो उसको महंगा ही पड़ रहा है इस बार, चाहे खाद्य तेल हो, मसाले हो, कुछ भी हो। तो सर, जो सेबी ने फैसला लिया था इसलिए लिया था। ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर वायदा बाजार में कारोबारी अब आगे ट्रेडिंग करने में घबरा रहे हैं जिसकी वजह से अब एनसीडीएक्स पर लाल निशान पर ट्रेड दर्ज किया जा रहा है, तो क्या ऐसे में बाजी एक बार फिर से हाजिर कारोबारियों के पास जाने वाली है? क्या किसानों को इसका लाभ मिल सकता है कहीं ना कहीं? देखिए फिलहाल ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसानों को इसका सीधा फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा, बल्कि देखिए जब वो एग्री कॉमोडिटीज जो है वायदा में ट्रेड होती हैं तो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने सौदों को हेज करके चल सकते हैं, जबकि बड़े ट्रेडर्स व्यापारी लोग जो है इसमें अपने सौदों को हेज करते हैं, जबकि फार्मर्स जो है फार्मर्स को अगर प्राइजेस वायदा में मूवमेंट आती है, वॉल्यूम्स बढ़ते हैं और ट्रेडिंग होती है, प्राइजेस ऊपर जाते हैं, तो जो फसलों के प्राइजेस है वो भी बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, चाहे उसका फायदा किसान को डायरेक्टली ना हो रहा हो, क्योंकि स्टॉकिस्ट इसका फायदा उठाते हैं जब प्राइसेस जो है ऊपर जाते हैं, लेकिन जब कॉमोडिटी वायदा से बैन कर दी जाती है, जितनी भी हमने कॉमोडिटीज देखी चाहे वो चना हो या काली मिर्च हो, जिसको भी सरकार ने बैन किया, उसके बाद उन कॉमोडिटीज के प्राइजेस नो डाउट कंट्रोल में आ जाते हैं, लेकिन इनफैक्ट एमएसपी के भी नीचे चले जाते हैं। तो अभी फिलहाल जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इस सिनेरियो के मद्देनजर अभी सभी कॉमोडिटीज प्रेशर में है और इसका फायदा फिलहाल किसानों को आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी,